बैठे हुए सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का नेतागण और ये तीन दिन का महापड़ाव में आए हुए पहला चरण में लाखों मजदूर भाई और बहनों, हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने सारे मांग के कंटेक्स्ट परिस्थिति प्रसंग आपको बता के गए। हमने एक बात करना चाहते हैं जो हमारे सारे ट्रेड यूनियन के आम सहमति में बात है। हमने एक निष्कर्ष में पहुंचा है जो ये सरकार को समझा बुझा के हम मनाया नहीं सकता है, हमारे बात उसको मना नहीं सकते हैं। अगर बातों में नहीं मानते हैं, हमारे समाज में एक बात है, अगर बातों में नहीं मानता है तो दूसरा हथियार इस्तेमाल करना है और वो हथियार के इस्तेमाल करने का तैयारी में ये तीन दिन का धरना है। पहले कभी नहीं हुआ देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन में लगातार तीन दिन धरना, लाखों से ज्यादा मजदूर बैठे हुए हैं और लाखों मजदूर अभी सड़क पे है, ट्रेन में है, आ रहा है दूसरे राज्य से कल के धरना में भागीदारी करने के लिए। कुछ साथी रह भी जाएगा आज का धरना का, दूसरे तीसरे दिन ये और व्यापक होने वाला है। अगर जिसको बातों में समझाया नहीं जाएगा, अगर दूसरा हथियार इस्तेमाल करना है, यही समझदारी के आधार पर पिछले 8 अगस्त को जो महाअधिवेशन हुआ सारे ट्रेड यूनियन के कन्वेंशन हुआ, उसमें हम लोग निर्णय लिया जो ये धरना है तैयारी का और तैयारी है आने वाला दिन में लगातार हड़ताल के ओर जाना। जब बातों में नहीं समझाया जाता है तब गर्दन पकड़ के मनवाने का रास्ते पर मजदूर आंदोलन को चलना होगा, दूसरे कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है जो हमारे मंत्री लोग समझते नहीं है, भले भांति समझते हैं। आम सहमति हुआ भारतीय श्रम सम्मेलन में, जो मिनिमम वेज का जो फॉर्मूला होगा उसमें आज का डेट में 25,000 मिनिमम वेज होना चाहिए, हम तो 18,000 मांग रहा है। आम सहमति हुआ, केंद्रीय सरकार भी माना और वो भारतीय श्रम सम्मेलन में हमारे मोदी जी इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया 46 लेनियर लेबर कॉन्फ्रेंस में। आम सहमति हुआ सारे योजना वर्कर को आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा, चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, जो उसको न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा दिया जाएगा। अभी भी वो मानदेय का खेल चल रहा है और ये सारे योजनाओं को निजीकरण के ओर धकेला जा रहा है। आम सहमति में निर्णय हुआ जो ठेका मजदूरों को समान काम में समान वेतन दिया जाएगा। केंद्रीय सरकार, सारे राज्य सरकार ये आम सहमति का हिस्सा है, फिर भी नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने का बाद भी आप बोलिए कैसे करेगा। और इसको साथ साथ हम लड़ रहा है हमारे सारे कानूनी अधिकार को छीनने के लिए श्रम कानून के सुधार के प्रक्रिया चल रहा है। यूनियन करने का अधिकार नहीं रहेगा, हड़ताल करने का अधिकार नहीं रहेगा और एक खेल भी शुरू हुआ है, जंतर मंतर में धरना नहीं किया जाएगा। आज का डेट में हम संसद मार्ग में आ गया, कौन जाने फिर कौन सा ट्राइब्यूनल के ऑर्डर आता है, इधर भी नहीं किया जाएगा। इसको नकारते हुए हमको सड़क पे रहना होगा और जो समझा बुझा के नहीं मिलते हैं उसको गर्दन पकड़ के उसका हाथ से हमको ये अधिकार छीनना होगा। इसका तैयारी कीजिए, पूरा देश को उठा के बेच रहा है, हमारे सुरक्षा क्षेत्र को निजी कंपनियों ने विदेशी कंपनियों को साथ डील कर रहा है। हवाई जहाज आएगा उधर से, हमारे सबमरीन आएगा उधर से और हमारे देश के हवाई जहाज सबमरीन बनाने वाले कारखाने बंद हो जाएगा, चल रहा है।
मेक इन इंडिया का स्लोगन देते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर अपना उत्पादन करने का जो ताकत है, जो ढांचा है, उसको खत्म कर रहा है विदेशी पूंजियों को दलाली करते हुए। ये देश के लिए नहीं कर रहा है, देश विरोधी काम कर रहा है। आज जब देश विरोधी काम कर रहा है तो अब देश विरोधी देश प्रेम का नारा लगाते हैं। ये जो दोहरापन है, ये जो 400 BC है, इसको कपड़ा उतार के चौराहा में नंगा करके खड़ा कर देना होगा मजदूर आंदोलन के तहत। उसका तैयारी कीजिए। अगर कोई चाहे कोई पब्लिक सेक्टर बेच देगा, अगर उसका मजदूर बिना उठा लेगा जो हमारे फैक्ट्रियों से एक भी पत्ता हम हिलने नहीं देगा, कोई सरकार के बाप के ताकत नहीं है वो निजीकरण कर पाए। पहले भी कई फैक्ट्रियों को निजीकरण से यही रास्ता में हम बचाया, हम घुसने नहीं दिया, हम फैक्ट्री का सामान हिलाने नहीं दिया। हमको यही प्रतिरोध लड़ाई में जाना पड़ेगा। अभी तक हम प्रतिवाद में हैं और इसी क्षेत्र में इसीलिए हमारे महाकन्वेंशन का ऐलान था, 3 दिन का महापड़ाव, लगातार हड़ताल का तैयारी के लिए। अरे तैयारी का प्रक्रिया में जहां जहां जो क्षेत्र में हमला आएगा वही क्षेत्र में ठप कर देना होगा, और वो ताकत हमारे है। बार बार करके दिखाया, 1 दिन के लिए दिखाया, 2 दिन के लिए दिखाया, अभी लगातार दिखाना होगा और उसके तैयारी शुरू हो जाना चाहिए ये धरना से वापस जाते हुए। और यही हमारे सामने एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता हमारे सामने खुला नहीं है। अगर हमारे देश के सुरक्षा व्यवस्था को उठा के वो बेचना चाहते हैं, रिलायंस और टाटा को खुश करने के लिए, अदानी को खुश करने के लिए, अगर नोटबंदी के चलते आम छोटे उद्योग और असंगठित क्षेत्र का मजदूरों को पेट में लात मारते हैं, और जो काला धन बंद करने के लिए नोटबंदी के चलते वो काला धन सफेद हो रहा है देश के अंदर, और देश के बाहर जो काला धन लाने का था वो तो अभी बढ़ते जा रहा है। पहले पनामा पेपर था, अभी और एक पैराडाइज पेपर आ गया जहां भाजपा का राज्य का मुख्यमंत्री, उसका कंपनी, ये सट्टेबाजी में जुड़ा हुआ है। पेपर में, आज का पेपर में आ गया, काला धन बढ़ते जा रहा है, विदेश में आ नहीं रहा है, और देश के अंदर काला धन सफेद करने के लिए नोटबंदी का तरीका अपनाया, और बीच में 15-20 लाख मजदूरों को काम खत्म हो गया, बेरोजगार हो गया, ऐसा स्थिति चल रहा है। और उसको साथ अभी जोड़ गया है GST, छोटे उद्योग बंद हो रहा है। छोटे उद्योग बंद हो रहा है का मतलब 5,000 रुपया तनख्वाह मिलने वाले मजदूर उसका रोजगार खो रहा है, कैसे चलेगा। और इसीलिए हम इतना ही बोलना चाहते हैं, समय के अंदर रहते हुए 17 साल का अंत हो रहा है ये महापड़ाव देते हुए, 18 साल में हमको चाहिए ये आवाज नहीं, हम जो हाथ से हमको लेना है वो हाथ पकड़ के खींच के उतारना है, और इसी दौरान हमारे मांग को हासिल करना है। हमारे मांग से मजदूरों का नहीं है, किसानों का है, आम जनता का है। हमारे मांग से जनता का नहीं है, ये देश पिछले 70 बरस में जो जो बनाया, हमारे सारे राष्ट्रायत्त क्षेत्र है, हमारे उत्पादन व्यवस्था है, हमारे शास्त्र व्यवस्था है, सब कुछ को बेचने के लिए उलझा हुआ है। ये बेचने वाले को कंपनी बेच नहीं रहा है, देश को बेच रहा है। ये देश को बेचने वाले को नकाब उतारते हुए आम मजदूरों को गर्दन पकड़ के उसको मिट्टी चखाना है, यही हमारे सामने अगला साल का कार्यक्रम
ये साल के अंत में एक तीन दिन का महापड़ाव के चलते हम ऐलान करना चाहते हैं, उसका तैयारी शुरू हो जाए। वो तैयारी कल से 12 तारीख से शुरू हो जाना चाहिए। ये सरकार को समझाने के लिए जो तुम जो करना चाहते हो वो कर नहीं पाएगा। तुम डिफेंस सेक्टर बेच नहीं पाओगे, तुम रेलवे को बेच नहीं पाओगे, प्राइवेटाइज नहीं कर पाओगे, तुम पब्लिक सेक्टर को बेच नहीं पाओगे। तुमको हर हालत में 18,000 रुपया देना होगा न्यूनतम वेतन, आम स्कीम वर्कर को न्यूनतम वेतन देना होगा, और श्रम कानून को तुम जो भी बदलो, मजदूर आंदोलन वो बदले हुए मालिक पर श्रम कानून को पैर के तल के कुचलते हुए हड़ताल करेगा, सड़क पर उतरेगा और तुमको मजबूर करेंगे। आया जनता को बेवकूफ बना के क्षमता में, बेवकूफी ज्यादा दिन नहीं चलता है। जनता अपने जिंदगी का हर दिन का तजुर्बा में झेल रहा है जो क्या हुआ है, और उसको लेके हमको आगे जाना है। ये बोलते हुए ये महापड़ाव का मिजाज को आगे का आने वाला दिन में प्रतिवाद नहीं, प्रतिरोध करने का, रोक देने का, देश को बेचने का ये जो बदमाशी, यही दिशा में मजदूर आंदोलन को चालित करने के लिए हमारी तैयारी शुरू हो जाए। ये बात करते हुए फिर दोबारा सीआईटू का तरफ से, आम ट्रेड यूनियन के तरफ से आपको लाल सलाम देते हुए, बधाई देते हुए, जितने तकलीफ झेलते हुए सारे देश से आए हुए हैं, हम मैं अपना बात खत्म करता है। इनकलाब जिंदाबाद, हम जरूर जीतेंगे, कोई हमारे देश को बेच नहीं पाएंगे।